नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फिल्म पीहू। पीहू 2018 की एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय विनोद कापरी। तो फिल्म की शुरुआत होती है बर्थडे पार्टी से, जहां पर पीहू का जन्मदिन मनाया जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पीहू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जैसे ही ये बर्थडे का सीन ख़त्म होता है तो हमको ऐसा लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल फिल्म है, लेकिन जैसे ही बर्थडे का सीन ख़त्म होता है तो उसके बाद जो है फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। पीहू एक 2 साल की बच्ची है जो सुबह उठती है और उससे भूख लगती है। भूख लगने की वजह से वो अपनी माँ को कई बार उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठती नहीं है। एक 2 साल की बच्ची, उसे क्या पता कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ सो रही है, इसलिए वो उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती है, जगाती नहीं है। तो आखिर पीहू के जगाने के बाद भी उसकी माँ जागती क्यों नहीं है? घर में उनके अलावा और दूसरा कोई होता क्यों नहीं है? पीहू अपनी माँ को कई बार जगाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो जागती नहीं है। एक 2 साल की बच्ची को क्या पता कि उसकी माँ मर चुकी है? क्या उसकी हत्या की गई थी या फिर कोई और वजह थी? और घर में उन दोनों के अलावा कोई दूसरा क्यों नहीं था? क्योंकि अगर पीहू की माँ है तो उसके पापा भी ज़रूर होंगे, तो उसके पापा उसके घर में क्यों नहीं थे? तो आखिर इन सब की वजह क्या थी? तो इसको जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि पीहू की माँ की डेथ हो चुकी है, तो आप सोचिए कि 2 साल की बच्ची घर में अकेली ही है और वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है, या फिर उसके साथ क्या क्या चीज़ें बुरी या अच्छी, किस तरह की चीज़ें, क्या क्या घटनाएं उसके साथ हो सकती हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। अगर बात करें इस फिल्म की, तो फिल्म में कैमरा वर्क, डायरेक्शन और एक्टिंग बिल्कुल अव्वल दर्जे का, कमाल का है। भले ही ये फिल्म एक सिंगल कैरेक्टर वाली फिल्म है, लेकिन आपको इस फिल्म में कहीं भी एक भी ऐसा समय नहीं होगा कि आपको फिल्म में बोरिंग लगे या आपको ऐसा लगे कि यार ये तो फिल्म बकवास है, या फिर आपको ऐसा फील हो कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा इस फिल्म को देखते हुए, या फिर आपको कुछ डर, कुछ अलग थ्रिल, कुछ ऐसा अनुभव ना हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक आपको बांधे रखती है। फिल्म में अगर एक्टिंग की बात करें तो मायरा नाम की 2 साल की बच्ची, जिसने इस फिल्म में पीहू का कैरेक्टर प्ले किया है, उसकी एक्टिंग जब आप देखोगे तो आपको देखकर लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग करती है। एकदम इतना नेचुरल परफॉर्मेंस है उसका इस फिल्म के अंदर में कि आप ये अंदाज़ा लगा ही नहीं पाओगे कि वो एक्टिंग कर रही है या सही में, या फिर वो बिल्कुल वैसे ही है। आप ये अंदाज़ा लगा ही नहीं पाओगे कि वो एक्टिंग कर रही है। एक 2 साल की बच्ची, इतना नेचुरल परफॉर्मेंस किया है इसने कि आप दंग रह जाओगे कि एक 2 साल की बच्ची इतना बढ़िया एक्टिंग कैसे कर सकती है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म एकदम जबरदस्त, कमाल की फिल्म है। आपको कहीं भी फिल्म स्लो नहीं लगती है, एक सेकंड के लिए भी आप अपनी पलकें नहीं झपकाओगे, ऐसी है ये फिल्म। फिल्म देखते हुए आपको ऐसा अनुभव होगा कि पता नहीं अब पीहू क्या कर देगी, पता नहीं पीहू के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आप हमेशा डरते ही रहोगे, अपने अंदर डरते ही रहोगे। फिल्म में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटनाएं होती जाती हैं पीहू के साथ, जो आपको फिल्म में जोड़ कर रखती है, बांधे रखती है। आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिल्म में आपका इंटरेस्ट इसी तरह से बना रहता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जिनको भीड़भाड़ वाली फिल्में, यानी कि वो फिल्में जिनमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, इस तरह की फिल्में अगर उनको देखने की ज़्यादा आदत है तो हो सकता है कि उनको ये फिल्म उतनी ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि इस फिल्म में कैरेक्टर्स बहुत कम है, एकदम ना के बराबर है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है फिल्म के अंदर में। तो अगर आपको सिंगल कैरेक्टर या कम कैरेक्टर वाली फिल्में देखने की आदत है, या फिर आप इस तरह की फिल्मों को भी इंजॉय करते हो, तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको निराश बिल्कुल ही नहीं करेगी। ये फिल्म आपको उतना ही एंटरटेन करेगी जितना कि ज़्यादा कैरेक्टर्स वाली फिल्में आपको एंटरटेन करती हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी ये फिल्म बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को ज़्यादा कैरेक्टर्स वाली फिल्में देखने का शौक है, वो फिल्में जिसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, तो होता क्या है कि इस तरह की फिल्मों में उनको इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि कैरेक्टर बहुत कम होते हैं, तो इस तरह की फिल्मों की शायद उनको आदत नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों को ये फिल्म उतनी पसंद ना आए। लेकिन इस तरह की फिल्मों में एक खासियत होती है कि इस तरह की फिल्मों में कैरेक्टर डेवलपमेंट पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि फिल्म में कैरेक्टर्स कम हैं और पूरा दारोमदार उन्हीं 2-3 कैरेक्टर्स पर ही होता है, तो ऐसे में उन कैरेक्टर्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लिखने का काम हो या फिर बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जाता है, जो कि हमें इस फिल्म में बाकायदा दिखाई भी देता है। और इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं विनोद कापड़ी जी, जब मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म को बनाने के लिए उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा था। और सही में
वो मेहनत जो उन्होंने की वो हमें इस फिल्म में एक एक सीन में दिखाई भी देता है, वरना रेस 3 जैसी फिल्में तो आसानी से बनी जाती हैं। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसको देखकर कभी हम लोग हंसते भी हैं, कभी रोते भी हैं, कभी हम लोग दुखी भी होते हैं, कभी कभी हमें डर भी लगता है कि पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है उसके साथ घटनाएं, क्योंकि वो घर पर अकेली है। तो इस तरह कभी हमें डर का भी अनुभव होता है, कभी कभी हमें खुशी का भी अनुभव होता है जब वो हंसती है, मुस्कुराती है, खिलखिलाती है। कभी कभी हम मायूस भी हो जाते हैं जब वो रोती है, जब वो इधर उधर भागती रहती है, उसके अंदर जब हम लोग डर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने अंदर में वो डर महसूस होता है इस फिल्म को देखते समय। और सही में अगर मैं कहूँ तो ये फिल्म एक मास्टरपीस है और आप सबको ये फिल्म ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, मैं आप सबको ये फिल्म रिकमेंड करता हूँ, आप इस फिल्म को मिस मत कीजिएगा। इस तरह की फिल्में बॉलीवुड में ज़्यादातर तो बनती नहीं है, तो ऐसे में अगर कोई फिल्म बनी है तो आपको उसको मिस नहीं करना चाहिए, आपको इस फिल्म को ज़रूर ज़रूर देखना चाहिए। और कम से कम तो उस 2 साल की बच्ची मायरा के लिए तो इस फिल्म को आपको ज़रूर देखना चाहिए, कि एक 2 साल की बच्ची इतना ब्रिलियंट एक्टिंग की उसने फिल्म के अंदर में कि आप दंग रह जाओगे। कम से कम उसके लिए तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी जहाँ तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 10 out of 10 star, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस फिल्म को देखते हुए ना ही हमारा कभी इंटरेस्ट कम होता है और ना ही हमको कभी बोरिंग फील होता है, और फिल्म के साथ साथ हम कुछ ना कुछ नया एक्सपेक्ट करते जाते हैं, और फिल्म हमें कुछ ना कुछ नया शौक देती ही जाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे नई मूवी के रिव्यू के साथ। नमस्कार।